अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम ट्यूटर एट जिना इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोरू। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 मैथमेटिक्स पे है। हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस अंडर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन पे हम कुछ ऑपरेशंस जो हैं हल करेंगे, तो 3/2 माइनस 1/2 होगा। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो इसका सॉल्यूशन हम लेंगे, तो पहला तो सेम रखेंगे 3/2 माइनस 1/2। अब इस दोनों को 2 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे भी, तो 2 यहाँ पे रखेंगे। 2 का 2 पे टेबल 1 टाइम जा रहा है और यहाँ पे 2 का 2 पे टेबल 1 टाइम जा रहा है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, माइनस 1 को 1 से तो 1 होगा। 3 में से 1 को काट देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 1 टाइम टेबल यहाँ पे जा रहा है, 1 टाइम टेबल यहाँ पे जा रहा है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो जवाब हमारा 1 होगा। उसके बाद दूसरा हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 5/6 माइनस 1/2। अब इसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो 5/6 माइनस 1/2, इन दोनों को क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2/6, 2, 6। अब 2 का टेबल 2 पे 1 मरतबा जा रहा है और इस पे 3 मरतबा, 3 का टेबल इस पे 1 मरतबा जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6। इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया। 6 पे 6 का टेबल 1 टाइम जा रहा है और 2 का 6 पे टेबल 3 टाइम जा रहा है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 5 में से 3 को काट देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2/6, अब 2 का टेबल 1 टाइम जा रहा है और यहाँ पे 3 मरतबा, तो ये हमारा आंसर क्या आया, 1/3। अब ये 1/3 हमारा लास्ट आंसर है। उसके बाद नंबर 3 फ्रैक्शन पे 3 होल 3/10, इसको माइनस करेंगे 1 होल 1/4 से, तो इसका सॉल्यूशन लेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। 30 में 3 को ऐड कर देंगे तो 33/10 ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद माइनस करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और 1 ऐड करेंगे तो 5/4 होगा। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 10 का एलसीएम हम लेंगे तो 2 का टेबल 4 पे 2 मरतबा जा रहा है और 10 पे 5 मरतबा। अब 2 का टेबल 2 पे 1 मरतबा जा रहा है तो 5 पे नहीं जा रहा है, तो 5 यहाँ पे लेके आएंगे, 5 का टेबल 5 पे 1 मरतबा जा रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 द 4, 4 5 द 20। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा होगा 20। 10 का टेबल 20 पे 2 मरतबा जा रहा है और 4 पे 5 मरतबा जा रहा है। अब ये हमारा होगा 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगा, माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। 66 में से 25 को काट देंगे तो क्या होगा, 41/20 होगा। अब ये हमारा न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स में चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 41 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 का टेबल 41 पे 2 मरतबा जा रहा है, तो ये क्या होगा, 40 होगा। 41 में से 40 को काट देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 होगा। तो इसको मिक्स फ्रिक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 होल 1/20, ये हमारा मिक्स फ्रिक्शन में आंसर इसका आ गया। उसके बाद नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है 4/5 माइनस 1/10 माइनस 2/15। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो वो होगा 30। अब 30 पे 5 का टेबल जो जा रहा है 6 मरतबा जा रहा है, 10 का 3 मरतबा और 15 का 2 मरतबा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब इसमें से क्या करेंगे, 3 और 4 ये हुआ 7, 24 को माइनस करेंगे 7 में से
अपॉन 30 यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 17 आंसर होगा, उसके बाद 30 ये आएगा। अब 17 अपॉन 30 ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते मिक्स फ्रैक्शन में, ये यहीं तक हमारा जवाब आ गया। आज का हमारा 16 लेक्चर यहीं तक ख़त्म हुआ। हमारे नॉलेज ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।